अस्सलाम अलैकुम प्यारी नजरियन, रहमा की किरणें के एक और रूहानी और दिल को छू लेने वाले एपिसोड में आपका खुश आमी। आज रात हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को ईमान से रोशन कर देगी। पहाड़ों के दरमियान एक पुरसिकवन गांव में बसने वाली नईद परहेजगार लारू की आमना की कहानी एक ऐसी रात का कसा है जब इसका मजबूत ईमान और आयत अल कुर्सी की तलावत में कभी कभार को सुकून में तब्दील। देखिए किसे अल्लाह के कलाम का मोजा आमना और उसके खंदा को एक डर और खौफ से भरी रात से हिफाजत फरहम करता है। हमारे साथ जोड़िए और ये दिलचस्पी कहानी का हिस्सा बनिए जो आपको इल्हाम और हरात से भर देगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो आप ऐसा ही रूहानी और ईमान अफरोज किस्सों से वक्फ होगा। एक छोटे से गाँव में जो पहाड़ों के दरमियाँ बसा था वही एक निहात परहेजगार लारू की आमना रहती थी। आमना अपना दीनदारी और ईमान के लिए मशहूर थी। इसे खंडन ना बचपन से ही उसे दिल में इस्लाम के असर डाल देते हैं। आमना को कुरान से खास लगो था और वो घंटों तक इसकी आयात को पढ़कर सीखो और आनमनान महसूस करती थी। गांव वाले अक्सर हमसे कुरान की तिलावत संत और उनके दिल रोशन हो जाते हैं, लेकिन एक रात ऐसे कुछ हुआ जो सबको हिलाकर रख दिया। हमारी रात चांदनी अपनी गरीबी रोशन में थी और गांव में एक अजब सा खौफ और वहशत छे गया था। लाग कहते रहे कि वो रात कुछ अलग थी, जैसे कि अंदरून में कुछ छुपा हुआ था। आमना अपने काम में थी, अपनी तस्बीह पर कुरान की तिलावत कर रही थी जब उसने बाहर से अजब सी आवाजें सुनी। अजब सी बात है और रूह को काम देने वाली आवाजें। इसे देखा कि इसकी माँ डार से कांप रही थी और उसके छोटे भाई बहन दुरी हुई आंखों से अपने कामों में चुप गए। आमना ने अपने खंदा को तसल्लो देने की कोशिश की मगर इसे दिल में भी अजीब सा खुश था। इसे सोचा कि यह वक्त है जब अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहिए और हमसे मदद मांगनी चाहिए। आमना ने अपनी कुरान की किताब उठाई और आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की। له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। जब आमना की तुलुआत घर में गूंजने लगी तो एक अजब सा सिकवन महसूस होना लगा। ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज रुक गई हो, हुआ रुक गई, गालियां खत्म हो गए और अंधेरा भी हल्का पर गया। लेकिन यह सिकवन सिर्फ एक पाल का था क्योंकि अचानक से दरवाजे पर जोर से दस्तक होना लगा। आमना ने हिम्मत जीती और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी। इसे देखा कि एक अजनबी शाख पुरने और फटे पुराने कपड़ों में लिपटा दरवाजे पर खड़ा था। इसकी आंखों में लाल थी और इसका चारा पेचना मुश्किल था। हमेशक नहीं बोला, मुझे अंदर आने दो, मुझे पना चाहिए। आमना का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे सोचा कि यह शक कौन हो सकता है, क्या यह सच में मदद मांग रहा है या कुछ और। लिखने इसके दिल में ईमान था कि अल्लाह हमारे साथ है। इसने आयतल कुर्सी के अल्फाज दोहराते हुए कहा, अगर तुम हमशा के लिए शैतान से निजात चाहिए तो अंदर आओ मगर अल्लाह के नाम से। वो शख्स अंदर आया और एकदम से जोर जोर से चीखना लगा। जैसे ही अमीना ने आयत अल कुर्सी की तुलावत दोबारा शुरू की, वो शख्स जोर जोर से पीछे हटने लगा और फिर धीरे धीरे गायब होना लगा। इसकी बातों में धीरे धीरे खामोशी में बदल गए और अचानक सब कुछ आम हो गया। आमना का खंदा डर से कांप रहा था मगर उन सबको देखा कि किसे अल्लाह के कलाम ने उनसे हिफाजत दी। आमना ने अपने घर वालों को समझाया कि यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत है और हमेशा हम पर ईमान रखना चाहिए। अगली सुबह जब गांव वाले अमीना के घर आए और गरीब रात की कहानी सुनी तो सबके दिलों में ईमान और भी मजबूत हो गया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, इमया तुम्हारे ईमान और आयत अल कुर्सी की तिलावत नहीं है अजीम खौफ से निजात दी। यह हमेशा याद रखना वाली बात है कि अल्लाह का कलाम हमेशा हमारी हिफाजत करता है। क्या विकिए के बाद गांव में लोगों का ईमान और मजलूम हो गया। हर रात लाग आयतल कुर्सी की तिलावत करने लगे और उनके दिलों में सिकवन और आखरत में रहने लगा।
अमना की कहानी एक मसलहत बन गई कि किसे एक जवान लड़की का मजबूत ईमान और अल्लाह के कलाम ने नहीं एक खौफनाक रात से हिफाजत दी थी। आज हमने एक बेटियां और रूहानी कहानी सुनी जिसमें अमना की ईमान और आयतल कुर्सी की कुदरत ने हमें एक डर और खौफ से भरी रात से गुजरते हुए हिफाजत और शिकों का एहसास कराया। ये कहानी सिर्फ एक मसलहत नहीं बल्कि एक नसीहत है कि अल्लाह का कलाम हमेशा हमारी हिफाजत और रहनुमाई करता है, बस हम पर मजबूर ईमान रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हमारे चैनल रेज ऑफ रहमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्त और घर वालों को भी तो है रूहानी सफर का हिस्सा बनाएं। हमारा मकसद है कि हर दिल तक अल्लाह का पैगाम और सिखवन पहुँचाएं। दुआओं में याद रखिएगा और अगली किस्त में मिलते हैं एक और ईमान अफरोज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।